मुंडिया पूर्णिमा के तहत जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने ली अधिकारियों की बैठक। हम आपको बता दें, इस वक्त ये खबर आप डीटीवी न्यूज पर देख रहे हैं। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कलेक्टर डी श्रुति भारद्वाज ने कहा कि मुंडिया पूर्णिमा 2024 के तहत जिले में अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। परिक्रमा देने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन निरंतर कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं, नजरें बनाए हुए हैं, व्यवस्थाओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। हम आपको जानकारी दे दें कि जिला कलेक्टर पुंसरी पुलिस चौकी में जिला स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक समस्त विभागों द्वारा काफ़ी अच्छी कार्य किए गए हैं, जिसका परिणाम यह है कि दूर दराज के क्षेत्रों से परिक्रमा देने आए हुए श्रद्धालु राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही तैयारियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले समय में सभी विभागों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए और मेले का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना है। हम आपको बता दें कि परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले कुंडों की बैरिकेटिंग कराई गई है ताकि श्रद्धालु स्नान के दौरान हादसे का शिकार न हो जाए। मुंडिया पूर्णिमा मेला डीग स्थित पूंछनी में 15 मई से शुरू हो चुका है। जो परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु उनकी सुविधा के लिए परिक्रमा स्थित कुंड में मानसी गंगा के तर्ज पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए फुहारे लगाए गए हैं और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण मेला क्षेत्र को CCTV निगरानी में रखा गया है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कुल 16 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, उनमें से 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं हम आपको बता दें, सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग जिसका 1.2 किलोमीटर का हिस्सा पुंछरी के लोटा में पड़ता है, जिसकी 24 घंटे कंट्रोल रूम का अधिकारियों द्वारा पल पल की जानकारी रखी जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर डी द्वारा मेले के समस्त गतिविधियों को निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। हम आपको जानकारी देते हैं कि श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि मेले में लोक कलाकार द्वारा भी विभिन्न प्रस्तुति दी जा रही हैं, वहाँ जिसके श्रद्धालु पूर्ण आनंद उठाते हुए ढोल मृदल के धुन पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत द्वारों पर पुष्पों से सजाया गया है और रात्रि में पूंछरी परिक्रमा मार्ग जगमग रोशनी से खिल उठता है। परिक्रमा क्षेत्र में जगह जगह पर विश्राम स्थली, निःशुल्क स्वागत कक्ष की व्यवस्था की गई है ताकि जो परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु हैं उनको आराम करने के लिए जगह, चाय, कॉफी आदि समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि परिक्रमा देने आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत पेड़ लगाने के लिए आवश्यक प्रेरित करें, जिसकी उनकी यात्रा को और यादगार बनाया जा सके। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा स्वागत कक्ष का भी निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। वह स्वयं मौके पर जाकर परिक्रमा देने वाले श्रद्धालुओं से संवाद कर रही है एवं प्रशासन द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को लेकर फीडबैक ले रही है। मेले में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को मेडिकल की व्यवस्था एवं कुछ खो जाने पर खोया पाया कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसके परिक्रमार्थियों को समस्या का सामना न करना पड़े। लगातार इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप डीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें। बने रहें लगातार डीटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।